ये साल का 13वां महीना है, ये 13वां महीना जो है मलेमास सुधा है, कमरिया खूब चल रहा है और चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, मलेमास है, बड़ा उत्तम प्रशस्त, फिर 2.5 वर्ष के बाद आएगा मलेमास में श्राद्ध पूजन, 100 गुना फल को प्राप्त कराता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। आज 19 जुलाई दिन बुधवार में आ चुका हूँ बाबा धाम मंदिर प्रांगण में और आज मलई मास का दूसरा दिन है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मलई मास में बाबा का मंदिर खुला रहेगा या नहीं, कांवरिए बाबा धाम आएंगे या नहीं, कांवर यात्रा होगा नहीं, किस प्रकार से हम लोग मलई मास में बाबा का दर्शन पूजा करेंगे। तो आज मैं आपको ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, मैं मंदिर प्रांगण से ही इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आज आप लोगों को मलई मास के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, कैसे आप कांवर यात्रा करेंगे मलई मास में, मलई मास में आप कैसे बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे। तो चलिए आज मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। चलिए आज के इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, मैं मलई मास में बाबा मंदिर प्रांगण पहुंच चुका हूं और आपको ये मंदिर प्रांगण का नजारा मैं दिखा रहा हूं। मैया पार्वती के मंदिर के जो है सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांवरिए बाबा के मंदिर में जो है दर्शन पूजा करने के बाद बाहर में आरती वगैरह कर रहे हैं। और इधर इस प्रकार से मैं आपको बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी दिखा रहा हूं और इसके यहां पर जो है बाहर में आप देख सकते हैं निकास द्वार के पास भी जो है कांवरिए बाबा का जलार्पण कर रहे हैं, बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं बाह्य अर्घा के माध्यम से। और जो लाइन में लगकर भक्त बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं, बाबा पर जो है जलार्पण कर रहे हैं, वो इस प्रकार से निकास द्वार से बाहर आ रहे हैं। और बाहर भी आप देख सकते हैं कांवरियों की संख्या में जो है आपको कमी नजर नहीं आ रही है। देखिए, कांवरिए बम जी सब कांवर लेकर अभी जो है मंदिर प्रांगण में आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। देखिए, कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सावन महीने के बाद ये मलई मास का दूसरा दिन है बुधवार और आज 19 तारीख है। मैं आपको मलई मास के समय का नज़ारा दिखा रहा हूँ बाबा धाम मंदिर प्रांगण का। आप लोगों का बहुत सारा सवाल था मलई मास में कैसा होगा, मंदिर प्रांगण खुला रहेगा नहीं, ये सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है मलई मास में। फिर मैं यहाँ से चलूँगा पंडित जी के पास भी जाके आप लोगों को जानकारी दिलाऊँगा मलई मास का क्या जो है खूबी है, कैसा होता है मलई मास और कैसे आप बाबा का जो है दर्शन पूजा करेंगे मलई मास में। देखिए, अब मेरे साथ बाबा मंदिर के पंडा जी हैं जिनका नाम सुधीर परिहस जी है और वो इस प्रकार से जो लाइन जाती है बाबा के मंदिर में वहीं पर बैठते हैं और यहाँ पर आप जल संकल्प वगैरह भी करा सकेंगे। और पंडा जी से चलिए अब जानकारी लेते हैं मलई मास के विषय में, कैसे कांवरिए आ रहे हैं और कैसे जलार्पण हो रहा है। आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, कांवरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चलिए अब पंडा बाबा सब कुछ आपको बताएंगे मलई मास के बारे में, विस्तृत जानकारी लेते हैं पंडा बाबा जी से। ये साल का 13वां महीना है, ये 12वां महीना में नहीं आता है, ये 13वां महीना जो है मलई मास होता है। मलई मास में श्राद्ध पूजन 100 गुना फल को प्राप्त कराता है। भगवान विष्णु जी अपने मुखारविंद से कहे हैं अगर कोई प्राणी अकाल मृत्यु में बेघर मर गया मलई मास में तो उसका श्राद्ध भी नहीं होने से वो हमारे लोग को प्राप्त करते हैं। और इस महीना का फल महान फल है, जल चढ़ाने से पूजा करने से, जैसे राजगीर में सभी देवता विराजमान रहते हैं और भगवान नरसिंह जी वहीं जाकर के विराजमान होते हैं, इस महीना में जल चढ़ाने से बाबा का और आपका 100 गुना फल प्राप्त होता है। जय हो। हाँ, कांवरिया खूब चल रहा है और चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, मलई मास है, बड़ा उत्तम प्रशस्त, फिर 2.5 वर्ष के बाद आएगा, बीच में फिर ये मास नहीं आता है। जैसे सावन में ये मलई मास पड़ा, इसके बारे में जो है कुछ विशेष? ये बड़ा प्रशस्त, सावन तो भगवान शिव का है और शिव और जो है ये भगवान विष्णु का, दोनों का संयोग मास है, डबल पुण्य का प्राप्त होता है। जय बाबा बैद्यनाथ जी। तो आपने देखा किस प्रकार से पंडित जी ने मलई मास के बारे में जानकारी दिया और बताया इस मास में अगर आप जलार्पण करते हैं तो कई गुना अधिक आपको फल मिलने वाला है। तो चलिए अब यहाँ से शिवगंगा के तट के तरफ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा कैसा है, कैसे शिव भक्त पहुँच रहे हैं बाबा के नगरी में मलई मास में बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के तरफ।
तो देखिए अभी मैं शिवगंगा तट पर आ चुका हूँ और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे हजारों की संख्या में कांवरिये धीरे धीरे बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मलय मास में जो है कांवरिये चल ही रहे हैं। अब रियर कैमरा ओपन करके दिखाते हैं हम किस प्रकार से कांवरिये अब भी आ रहे हैं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मलय मास में कैसे जलार्पण होगा, ये सारा कुछ मैं तो इस वीडियो में बता ही रहा हूँ। चलिए ये भी आपको हम दिखाई देते हैं। आपको हमने शिवगंगा भी दिखाया मलय मास में किस प्रकार से कांवरिये वहाँ पर जल संकल्प कर रहे थे। अब शिवगंगा गली होते हुए जा रहे हैं बाबा के आंगन के तरफ, तो ये गली भी आपको हम दिखाते हुए चलेंगे किस प्रकार से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं बाबा के धाम में बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से जो है शिवगंगा गली भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े कांवर भी लेकर आए हुए हैं कांवरिये जी सब, जो कि मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। और शिवगंगा गली भी आपको खाली नज़र नहीं आने वाला है। मलय मास में भी इस प्रकार से कांवरिये चल ही रहे हैं बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए, जो कि मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसा नज़ारा आपको अभी देखने को मिल रहा होगा शिवगंगा की गली में। यहाँ जैसा भीड़ रहता है वैसा ही भीड़ है, थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा लेकिन भीड़ में जो है आपको उतना ज़्यादा कमी नहीं दिखाई दे रहा, जो कि मैं आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं बाबा के आंगन में और बहुत ही सुंदर नज़ारा बाबा मंदिर का देखने को मिल रहा है। मलय मास में भी यहां पर कांवरिये पहुंच रहे हैं बाबा का दर्शन पूजा करने के लिए। और आपने सुना ही पंडित जी ने क्या बताया, अगर आप मलय मास में बाबा का दर्शन पूजा करते हैं तो आपको 100 गुना अधिक फल मिलने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आरती वगैरह कर रहे हैं बाबा के आंगन में और कुछ श्रद्धालु तो यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है बाबा का आंगन। और चलिए मैं आपको लाइन भी दिखा देता हूँ, देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु पहुँच रहे बाबा के मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए। तो मलय मास में अधिक फल मिलने वाला है, जिस कारण से देख सकते हैं कांवरियों की कतार भी इसी प्रकार से लगी हुई है। सभी कांवरिये लाइन में लगकर बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं। अब भी जो है कांवरियों की संख्या में कमी नहीं है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से सभी कांवरिये बाबा के मंदिर में जा रहे हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे लाइन में लगकर यहां से बाबा के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और मंदिर में अब भी अर्घा लगा हुआ है और अर्घा के माध्यम से यहां पर जलार्पण कर रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा बाबा धाम मंदिर प्रांगण का। और ये देखिए जब सभी कांवरिये बाबा का दर्शन पूजा कर ले रहे हैं, अर्घा के माध्यम से जलार्पण करके इस प्रकार से निकास द्वार से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ जो है नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है बाबा धाम मंदिर प्रांगण का। यहाँ से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं मैया पार्वती के मंदिर के तरफ। तो अब हमने आपको पूरा जो है जानकारी दे दिया मलय मास के बारे में, शिवगंगा तट भी दिखाया, किस प्रकार से कांवरिये आ रहे थे, किस प्रकार से जल संकल्प कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको शिवगंगा से बाबा के जो सिंह द्वार तक रास्ता आता है शिवगंगा गली भी आपको दिखाया और फिर से अभी मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं। और मंदिर प्रांगण का नज़ारा तो आपने देखा ही है किस प्रकार से अब भी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग था वो मलय मास के ऊपर था। मलय मास के में भी जो है कांवर यात्रा हो ही रही है, लोग यहाँ पर जलार्पण कर रहे हैं बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा आप जरूर से जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो भी आप अपने जो है कांवरिया बंधुओं तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले मलय मास में भी कांवर यात्रा चल रहे हैं, वो अगर आना चाहे तो मलय मास में भी बाबा का दर्शन पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ।